ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर मौजूद किसी भी जानवरों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी नहीं होगी जितनी कि हायना और शेर के बीच में है। आमतौर पर एक अकेला नर शेर किसी हायना क्लैन पर हमला नहीं करता है, लेकिन बोट्सवाना के इतिहास में एक ऐसा लायन भी मौजूद था जो हायनास को देखते ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता था, और इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने एक हायना हो या हायना का पूरा झुंड। ये कभी भी उनका काम तमाम करने से पीछे नहीं हटता था। इस लायन को पूरी दुनिया हायना किलर के नाम से जानती थी, जिसका नाम था एंटवांडू मेला। लेकिन इतना खतरनाक और हायना किलर के नाम से मशहूर होने के बावजूद भी इसका अंत इतना खतरनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन था एंटवांडू मेला, जो कि हर वक्त ही हायनास के खून का प्यासा रहता था, और जानते हैं कि इतने शानदार लायन का अंत कैसे हुआ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। साउथ नेशनल पार्क में एक समय ऐसा भी था जब वहाँ एक शानदार लायन राज करता था, और उस लायन का नाम था एंटवांडू मेला। एंटवांडू मेला उन दो लायन कॉलिशन का मेंबर था जिन्होंने नॉर्थन बोट्सवाना के साउथ नेशनल पार्क में आकर सबको ये दिखा दिया था कि इनके सामने टिक पाना किसी भी दूसरे शेरों के लिए आग से खेलने के बराबर ही होगा। इस वीडियो में जिस लायन का नाम मैं ले रहा हूँ, जो कि काफी डिफिकल्ट है, एंटवांडू मेला, इसका मतलब होता है ही हु ग्रिट्स विद फायर। ये नाम इस लायन को इसीलिए दिया गया था क्योंकि अगर ये एक बार अपने दुश्मन को मारने का मन बना लेता था तब उसके दुश्मन की मौत तय हो जाती थी। इसके अलावा लोग एंटवांडू मेला को एक और नाम से भी जानते थे, और वो नाम था हायना किलर, क्योंकि जब कभी भी वो लायन हायना को देखता था तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी, और वो बात थी हायना का खात्मा करना। उसके इलाके में रहने वाले सारे हायनास उससे बहुत ज्यादा डरते थे, और उस लायन से डरना बहुत हद तक जायज भी था, क्योंकि एंटवांडू मेला ने उसके जीवन काल में 36 से भी ज्यादा हायनास को मौत के घाट उतार दिया था, और इसे डॉक्यूमेंट भी किया गया था। एक बार की बात है जब एंटवांडू मेला का भाई मानडेउ पेट्रोलिंग करने निकलता है। पेट्रोलिंग करते करते मानडेउ उस इलाके में भी चला जाता है जहाँ हायनास का झुंड रहा करता था, और तभी हायना क्लैन की लीडर मानडेउ के पास पहुँचती है। मानडेउ के पास पहुँचने के बाद वो हायना लीडर उसे बार बार चिढ़ाने का प्रयास करती है। शुरू में तो मानडेउ उस हायना लीडर से और उसके आसपास मौजूद कुछ हायनास से लड़ने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ हायनास की संख्या बढ़ती ही जाती है। उसके बाद मानडेउ हायनास के झुंड से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद इस घटना को माटसुमी नाम की शेरनी देख लेती है। माटसुमी एंटवांडू मेला और मानडेउ के प्राइड की ही शेरनी रहती है। जब वो देखती है कि हायनास की टोली उसके प्राइड के नर शेर को परेशान करते रहती है तो उससे रहा नहीं जाता, और वो अपने साथ अपने प्राइड की और शेरनियों को लेकर हायनास के झुंड से भिड़ने चली जाती है। और उतने में ही एंटवांडू मेला भी आ जाता है। उसके आते ही हायना क्लैन में भगदड़ मच जाती है। एंटवांडू मेला बिना देरी किए सीधा हायना क्लैन के लीडर पर ही अटैक करने चला जाता है, लेकिन यही इरादा माटसुमी का भी रहता है, और वो ना केवल उस हायना क्लैन की लीडर को मारने के लिए सबसे आगे रहती है, बल्कि वो उस लीडर के पैर पर वार करके उसे नीचे भी गिरा देती है। इससे पहले कि हायना क्लैन की लीडर संभल पाती, एंटवांडू मेला पीछे से मौत बनकर उस पर झपट पड़ता है, और फिर वो एक ही वार में उस हायना क्लैन की लीडर की गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद तुरंत ही उसकी जान चली जाती है। इन्हीं सब बातों की वजह से एंटवांडू मेला को केवल अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली थी, और फिर इटर्नल एनिमीज नाम की एक फेमस डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये लायन लोगों के बीच में और
भी ज्यादा मशहूर हो गया। वैसे तो एंटवांडो मेला अपने भाई मांडेऊ से साइज में छोटा ही था, लेकिन इसके बावजूद भी मुसीबत के वक्त में प्राइड अगर किसी लायन को पुकारता था तो वो था एंटवांडो मेला। इसके साथ ही दूसरे शेरों से बिल्कुल उलट एंटवांडो मेला शिकार करने में अपने प्राइड की पूरी मदद भी किया करता था। इन सब बातों की वजह से अगर हम एंटवांडो मेला को उस समय सऊदी का सबसे पावरफुल लायन भी कहे तो शायद ये गलत नहीं होगा। एंटवांडो मेला इतना खास इसीलिए भी था क्योंकि एक तरफ जहां दूसरे सभी मेल लायंस किसी बुल एलिफेंट से अकेले भिड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वही इसके उलट एंटवांडो मेला तो बुल एलिफेंट को देखते ही उस पर चार्ज कर दिया करता था। इसके अलावा वो अकेला ही बड़े बड़े भैंसों के झुंड के पास चला जाता था और उस लायन को अपने आसपास देखने के बावजूद भी भैंसे उस पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आगे भी कई सालों तक एंटवांडो मेला और मांडेऊ ने मिलकर सऊदी में अपना राज कायम रखा। कुछ समय के लिए इन दो भाइयों ने एक बूढ़े शेर को अपने इलाके में शरण भी दी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वे शेर बूढ़े होते गए वैसे वैसे दूसरे जवान शेरों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और सऊदी जैसे जगह पर जहां लायंस के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है वहां दो बूढ़े शेरों का शांति से रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए दोनों भाई शांति भरी जिंदगी जीने के लिए अपने इलाके से दूर निकल गए। आगे कई दिनों तक दोनों भाई एक इलाके से दूसरे इलाके में भटकते रहे, लेकिन ऐसे ही भटकते भटकते वो दोनों एक दिन ऐसे इलाके में जा पहुँचे जिस इलाके में सरकार ने शिकार करने की खुली छूट दे रखी थी और फिर इसके बाद इंसान के रूप में कुछ हैवानों की नजर उन दो शानदार लायन पर चली गई और फिर उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया और ये दो भाई जिन्होंने एक साथ ही जन्म लिया था उन्होंने साथ में ही इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। जंगल में रहते हुए जिन्हें कभी भी कोई दूसरा जानवर नहीं मार पाया था उन्हें इन बेरहम शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। हर बार की तरह इस बार भी धरती के दो शानदार शेरों की मौत आखिरकार इंसानों के हाथों से ही हुई, उन इंसानों के हाथों से जो इंसान के लिबास में शैतान से भी बदतर होंगे। एंटवांडो मेला की मौत के बाद एक फेमस राइटर लिखते हैं कि मुझे पता है कि आज एंटवांडो मेला की स्क्रीन किसी दीवार पर लटक रही होगी, लेकिन शायद उसके ओनर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि इस शेर ने अपना जीवन कैसे जिया था। इस शेर की हेरोइक कहानियाँ, इसकी लव लाइफ, हाथियों के साथ उसके झगड़े और खासकर हायना को तबाह करने का उसका अंदाज उसकी धुंधली सी हो चुकी स्क्रीन में कभी भी नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।